नमस्कार साथियों, रीट एग्जाम 2022 के पेपर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, अब छात्रों को नहीं मिलेगा रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर। अब नए नियमों के तहत जो होगी इस बार रीट पात्रता परीक्षा। चलिए ले चलते हैं सीधा खबर की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल घंटे के स्थान को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ साथियों, दैनिक भास्कर की ऑफिशियल रिपोर्ट के माध्यम से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रीट ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मिलेगी, हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा होगा अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, अब अभ्यर्थियों को जो है ओएमआर सीट की सिर्फ कार्बन कॉपी मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बार रीट एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट से पेपर वापस ले लिया जाएगा, उन्हें सिर्फ जो है यहाँ पे ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी यहाँ पे दी जाएगी। स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थियों को इस बार जो है पेपर जो है वो अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आंसर शीट की जो ओएमआर कॉपी ओएमआर की जो कार्बन कॉपी है, आंसर शीट की जो कार्बन कॉपी है वही अभ्यर्थियों को यहाँ पे दी जाएगी। इससे अभ्यर्थी जो है आंसर कहाँ पे मिलाएंगे घर आने के बाद, इसको लेके समस्या हो सकती है, तो अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार करना होगा। साथ ही दोस्तों हम बात करें, ये ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। इससे पहले रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा जो थी वो एक दिन में संपन्न होती थी, लेकिन इस बार जो है चार पारियों में संपन्न हो रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है पेपर अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। साथ ही रीट में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, इसको लेके हमने चैनल पे वीडियो डाल दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा। रीट के स्टूडेंट हैं तो रीट से जुड़ी पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी प्रकार से नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।